नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये सवाल बहुत बार हमारे सामने आता है। चिकित्सक के रूप में लोग बहुत बार पूछते हैं कि 40 प्लस के बाद या 45 के बाद कैसे जो स्टेमिना है, जो एक मैन की सेक्सुअल हेल्थ है, उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं, उसको कैसे 40 पार भी बरकरार करके रखा जा सकता है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो इन समस्याओं को, एक मेल में होने वाली जो समस्या है उनको बहुत जल्दी ही ठीक कर देती हैं। लेकिन हालांकि इस पे दो तीन वीडियो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो थेरेपेटिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। होम्योपैथी में अगर सेलेक्टिवली मेडिसिन को सिम्टोमेटिक बेस पे सेलेक्ट करके यूज़ किया जाए तो सिंगल मेडिसिन से बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि सिम्टम के अकॉर्डिंग एक मेडिसिन ही काफ़ी हद तक एक पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। इसके लिए एग्जैक्ट सिम्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। पहले जान लेते हैं कि ये जो समस्या है 40 की एज के बाद या उसके आसपास जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आती है, तनाव कम होता चला जाता है, स्टेमिना रिड्यूस हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम में पहले तो ये देखना है, अगर ये कभी कभी होता है, इरेक्शन की प्रॉब्लम कभी कभी होती है, डेली नहीं होती है या हर बार नहीं है, तो फिर ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्वतः ही अपने आप ही ठीक हो जाने वाली चीज है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो 40 प्लस एज के पेशेंट को या आदमी को देखना चाहिए, वो है मॉर्निंग इरेक्शन। जो सुबह सुबह जब नींद से उठता है आदमी, उस टाइम का जो इरेक्शन है वो अगर है, ठीक है, प्रॉपर है, तो फिर आदमी हेल्दी ही माना जाता है। लेकिन अगर ये भी नहीं है और जो इरेक्शन का पूरा एपिसोड है वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ये समस्या है, इस पर फिर काम करने की ज़रूरत रहती है। इसमें भी दो चीज़ें रहती हैं होम्योपैथिक वे में जब हम देखते हैं। एक तो आदमी की जो इच्छा है वो है लेकिन इरेक्शन नहीं है, दूसरा इच्छा भी है इरेक्शन भी है लेकिन वो स्टेबल नहीं है, बहुत देर तक नहीं है। दोनों स्थिति में, इच्छा होते हुए इरेक्शन नहीं है, इच्छा ना होते हुए भी इरेक्शन नहीं है, दोनों स्थिति में ही हमारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिवली एक पेशेंट पे रिजल्ट निकाल के देती है। अब हम इसके कारण की बात करते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। कारण में जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मेंटली डिस्टर्बेंस है। मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन, काम का तनाव, ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर यही। दूसरा, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होने लगते हैं इस एज पे आते आते। वो चेंजेस अगर बहुत धीरे धीरे हों तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक एज रिलेटेड प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो होना ही है। लेकिन अगर वो चेंजेस बहुत तेजी से हो जाए, एकदम से हो जाए, तो फिर ये समस्या क्रिएट करता है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कुछ चीज़ों की कमी हो जाना शरीर में, या कुछ चीज़ें जो अंदर से ही प्रोड्यूस होती हैं उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाना, या कुछ सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, खासकर जो वेनस लीकेज है वो होने लगता है, जिसमें इरेक्शन जो है वो काफ़ी देर तक नहीं स्टार्ट होता है और फिर कुछ देर बाद ही वेनस लीकेज हो जाने की वजह से पिनाइल में वेनस का जो एक्यूमुलेशन है, जो ब्लड का रहता है वेन्स में, वो एकदम से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहती है। ये कारण रह सकते हैं जो ज़्यादा बड़े फैक्टर हैं। और जब हम होम्योपैथी में इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथी नेचुरल तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी पद्धति है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिनको सिंगली यूज करने से आपकी समस्याएं बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। एक गोल्डन मेडिसिन भी बताऊंगा इसमें, जिसको लगभग सभी को यूज करना है। इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक
आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन है, जो सबसे प्राइम मेडिसिन है, वो है कैलेडियम। कैलेडियम ऐसे लोगों को यूज करनी होती है जिनको डिजायर तो है, मन में इच्छा है, उसके बावजूद इरेक्शन नहीं रहता है। पेशेंट को थॉट आते हैं अपने पार्टनर के पास जाने के लिए, या जाता है तब या उससे पहले भी, और आर्टिफिशियली वो एक्ट भी परफॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन इरेक्शन नहीं होता है। ऐसे लोगों को कैलेडियम यूज करना चाहिए। कैलेडियम स्टार्ट 30 पोटेंसी से करनी चाहिए। कैलेडियम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम को, ऐसे कुछ दिन तक लेनी चाहिए। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होने लगे फिर कैलेडियम 200 दिन में 2 बार, फिर कुछ दिन बाद कैलेडियम 1000 दिन में 1 बार, और फिर सप्ताह में 1 बार करके इसको बंद किया जा सकता है। इच्छा होते हुए इरेक्शन का ना होना के लिए कैलेडियम सबसे बढ़िया दवा है। दूसरे नंबर की जो बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है एग्नस कास्ट। एग्नस कास्ट उन लोगों के लिए है जिनको ना तो इच्छा है, ना डिजायर है, और ना इरेक्शन है। एज वही 40, 42, 45 के आसपास है, जो कि बहुत एडवांस, बहुत ओल्ड एज भी नहीं है, लेकिन उनको दोनों चीज नहीं है। अगर ये सिचुएशन है तो एग्नस कास्ट मेडिसिन लेनी चाहिए। एग्नस कास्ट 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, जीभ पे कुछ दिन तक लगातार लेने से ये स्थिति में बहुत जल्दी ही सुधार होता है। एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट भी बताऊंगा आपको बाद में, गोल्डन मेडिसिन के बाद में, जो हमें लेना चाहिए। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को भी हमें इस केस में यूज करना चाहिए। बहुत ऑफनली यूज होने वाली मेडिसिन है, लेकिन कब यूज करना चाहिए? जब पेशेंट का जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने का रहा हो, चाहे वो मास्टरबेशन है या रियल में उसने इंटरकोर्स किए हैं, हिस्ट्री एक्सेसिव रही है उसकी, इसके अलावा इरेक्शन आता है उसमें, ऐसा नहीं है, शॉर्ट आता है, छोटा आता है, कम देर के लिए आता है, और एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहती है उसमें, एक्ट को परफॉर्म करने से पहले जो घबराहट है, जो एंग्जाइटी है, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं आज क्या होगा, वो देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम, जीभ पे कुछ दिन तक यूज करनी चाहिए। जैसे रिलीफ लगना शुरू हो फिर 200 पोटेंसी को सप्ताह में 1 बार या 2 बार लेके धीरे से मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए। ये हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी। फोर्थ जो मेडिसिन है वो है सिलेनियम। सिलेनियम कब लेनी है, किन लोगों को लेनी है? सिलेनियम उनको लेनी है जिनको एक्सेसिव डिजायर है, बहुत ज्यादा इच्छा है, एक्सेसिव थॉट आते हैं, बहुत ज्यादा विचार मन में चलते हैं, बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, इरेक्शन थोड़ी बहुत देर के लिए है या बहुत कम है। साथ में ऐसे लोगों को प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, मतलब इरेक्शन आएगा और वो जल्दी खत्म। तीसरा एक और सिम्टम है इसका, इन सब चीजों के साथ ही, या एक्सेसिव इच्छा है, एक्सेसिव थॉट आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और नाइट एमिशन है, रात्रि में, नाइट फॉल जिसको हम बोलते हैं। ऐसे लोगों को सेलेनियम 30 पोटेंसी के 2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, सीधे जीभ पे कुछ दिन तक लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो एक गोल्डन मेडिसिन की तरह है, इन 4 मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन जो आपके सिम्टम के साथ मैच होती है वो आप स्टार्ट करिए, और साथ में एक मदर टिंचर आता है होम्योपैथी का, डेमियाना मदर टिंचर। ये न्यूरेस्थेनिक प्रॉब्लम को ठीक करता है, न्यूरैल्जिक प्रॉब्लम को ठीक करता है, वेनस लीकेज को ठीक करता है, मूड को इम्प्रूव करता है, और साथ में जो स्टेमिना है उसको बढ़ाता है। ना केवल मेल बल्कि फीमेल में भी ये सेम एक्शन परफॉर्म करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी ये एक एक आदमी को, एक पेशेंट को
जागृत करने की पूरी ताकत रखती है मेडिसिन। इसका मदर टिंचर लेना चाहिए, दमयाना का मदर टिंचर की 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पेशेंट को लेनी चाहिए। अब याद रहे मैंने 4 मेडिसिन बताई, उन 4 में से कोई एक मेडिसिन लेनी है और दमयाना का मदर टिंचर 15-15-20-20 बूंदे दिन में 3 बार। ऐसे कुछ दिन तक, कुछ 2-3 महीने तक कंटिन्यूस करेंगे तो बहुत जल्दी ही इम्प्रूवमेंट आता है। अब एक सप्लीमेंट की बात करी थी मैंने, सप्लीमेंट है L-आर्जिनिन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, वेनस लीकेज को रोकता है, इरेक्शन को बढ़ाता है। इसकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। L-आर्जिनिन इसके सैसे आते हैं छोटे छोटे, सुबह शाम इसको 1 गिलास पानी में घोल के दिन में 2 बार लिया जा सकता है। अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप हार्ट डिजीज है आपको, दिल की किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर है आपको, हालांकि ये बहुत सेफ दवाई है, दवाई नहीं सप्लीमेंट है, बहुत सेफ सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डायबिटिक हैं, आपको आप हार्ट पेशेंट हैं, तो आपको एक बार अपने जो फिजिशियन है जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए L-आर्जिनिन को लेने से पहले। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत सेफ सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी सेफर साइड आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, टॉप रेमेडीज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।